तो गाइस, तो जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी मलेशिया पे, उस वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्स। लगभग 12,000 से भी ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने बेसिकली अलग अलग कमेंट किए कि भाई आपने जो भी जॉब्स बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद मलेशिया में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उस वीडियो में थोड़ा सा एज अ किचन हेल्पर के बारे में बताया था, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ। कितना सैलरी मिल जाता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। मोस्टली ये काम आपको होटल और रेस्टोरेंट में आराम से मिल जाते हैं, बट इसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको जरूरत पड़ेगी। पहले मैं वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, फिर मैं सैलरी बता दूंगा कि ऑन एन एवरेज किचन हेल्पर वर्क पे आपको कितने तक सैलरी मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए बेसिकली आपको कोई वर्क वीजा नहीं मिलेगा। ये काम आप बेसिकली स्टूडेंट वीजा पे कर सकते हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम में काम करते हैं, फुल टाइम में भी होता है। बेसिकली इसमें एक रूल होता है कि आप 1 वीक में 20 आवर तक काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी हॉलीडे चल रही है, सेमेस्टर ब्रेक चल रही है, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो उसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो 40 आवर तक। बट इसमें क्या होता है, 20 आवर तक मिनिमम वर्क कर सकते हो स्टूडेंट वीजा पे। ठीक है, स्टूडेंट वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है मलेशिया पे, उसमें और भी कई सारे जॉब्स बताए हैं, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपको स्टूडेंट वीजा के लिए। ठीक है, नंबर 1 पे आता है वैलिड पासपोर्ट, जरूरत पड़ता है आप लोग का। इसमें सबसे जरूरी होता है आप लोग का प्रूफ ऑफ फंड, जिसको फाइनेंशियली सपोर्ट कहते हैं, जो मतलब बैंकिंग स्टेटमेंट या फिर जितने दिन का आप स्टे करोगे मलेशिया में उतने दिन का आपके पैसे हैं या नहीं, स्टूडेंट वीजा में प्रूफ ऑफ फंड काफी जरूरी होता है। ठीक है, थर्ड है आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कोरोना के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो मेडिकल पर भी ध्यान देना। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन की भी जरूरत पड़ती है आप लोग की। बेसिकली आपका हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस, आपका बेसिकली आइल्स भी का क्लियर करना, आइल्स भी काफी जरूरी होता है स्टूडेंट वीजा के, तो आइल्स पर काफी ध्यान देना। और बेसिकली आप लोग के कलर्ड फोटोग्राफ्स और कुछ खास आइडेंटिटी प्रूफ बस ऐसे सारे लगते हैं, क्वालिफिकेशन कॉपी लग जाती है। बट अगर सैलरी की बात करें तो इसके ऑन एन एवरेज लगभग 1800 मलेशिया रेंटिंग से लेकर के 2500 तक एवरेज मिल जाता है। डाउट कमेंट करो, बाय बाय।